नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। मेरठ के एक निजी अस्पताल में भर्ती महिला मरीज के साथ नशे का इंजेक्शन देकर कर्मचारियों ने गैंगरेप किया है। पुलिस ने FIR दर्ज कर तीन लोगों को हिरासत में लिया है। FIR में नामजद आरोपी फरार हैं। घटना मेरठ के गढ़ रोड पर स्थित एक निजी अस्पताल की है। पीड़िता मेरठ के ही नौचंदी थाना क्षेत्र की रहने वाली है। उसको लिवर में सूजन की शिकायत के बाद शनिवार को भर्ती कराया गया था। वह ICU में थी। रात में उसका पति अस्पताल के ही वेटिंग हॉल में ग्राउंड फ्लोर पर था। शनिवार देर रात महिला ने अपने पति को बुलाकर अपने साथ रेप होने की जानकारी दी। महिला ने बताया कि अस्पताल की एक स्टाफ नर्स ने पहले इंजेक्शन दिया, वह बेसुध हो गई। करीब 25 मिनट बाद होश आने पर कर्मचारी उसके साथ रेप कर रहे थे। तीनों आरोपी एक डॉक्टर और अस्पताल के दो वार्ड बॉय हैं। महिला के शोर मचाने पर आरोपी भाग गए। कंट्रोल रूम की सूचना पर CEO और SDM ने अस्पताल में जाकर जांच की। SP सिटी अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। ICU के दूसरे मरीज घटना की जानकारी से इनकार कर रहे हैं। अस्पताल के CCTV कैमरे बंद मिले। महिला की तहरीर पर तीन कर्मचारियों के खिलाफ रिप की FIR लिख ली गई है। पूछताछ के लिए अस्पताल मालिक और दो अन्य को हिरासत में ले रखा है। अस्पताल मालिक अशोक राणा ने रिप के आरोप को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि ICU में 6 और मरीज थे, किसी ने घटना नहीं देखी। इस बीच पुलिस को जानकारी मिल रही है कि पीड़ित महिला एक तांत्रिक के चंगुल में थी। महिला के भाई ने बताया कि कुछ पारिवारिक कारणों से वह एक तांत्रिक के संपर्क में थे। पुलिस ने तांत्रिक को भी हिरासत में लिया है।